अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अपने पापा के लिए खिचड़ी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप किस लिए खिचड़ी बना रही हैं ये नहीं बताएंगे आज आप? मैं इंस्टेंट पॉट में खिचड़ी बनाऊंगी जी। ये देखिए, नज़दीक से दिखा देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने इस ब्राउन बटन को प्रेस करना है और फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ये स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले आप क्या डालेंगे बेटे? अब मैं पहले डालूंगी ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये है ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ एक चम्मच ऑयल डालूंगी, आप चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप तो पापा के लिए बना रही ना जी, तो कम ऑयल लेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह, बस हो गया काफी बेटे पापा के लिए। चले ठीक है। आप ये देखिए, हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है? और सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा। देखिए स्टार्ट है ना, ठीक है, हीट पे आया हुआ है। अब ये स्टार्ट भी है तो हम क्या करेंगे, पहले से थोड़ा सा गर्म करेंगे। और सबसे पहले आपने क्या डालना है इसमें? सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। और लहसुन इसमें थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। यस, इसका ये भी चम्मच भी है, इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लें ताकि ये ब्राउन हो जाए। चल ठीक है। तो दोस्तों, लहसुन हो गया है हमारा थोड़ा सा फ्राई, तो अब हम डालेंगे प्याज। ये आप देख सकते हैं प्याज यहाँ में डाल रही हूँ। तैयार रखा हुआ था जी जी, ये दोनों चीजें मैंने पहले से डाल दी थी। दोस्तों, इस पॉट की ये मजे की बात है कि ये एक ही बटन में बन जाता है और फटाफट जी, और इसमें ज्यादा बटन गंदे भी नहीं करने पड़ते। अच्छे मिक्स ही कर लेना प्याज को। तो दोस्तों, ये भी थोड़ा ब्राउन हो जाए लहसुन की तरह, फिर हम बाकी स्टेप पे जाते हैं। ओके दोस्तों, हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। अब ये देखिए आप, ये मेरे पास है। तो दोस्तों, हमारा प्याज हो चुका है। जीरा को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लें जी। तो दोस्तों, हमारा जीरा हो गया है फ्राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे मूंग की दाल और चावल। और चावल चलो जी, क्या मूंग की दाल डालेंगे? एक कप लिया था ना आपने जी? मैंने एक कप मूंग की दाल ली है। हम चम्मच ले लेते हैं। अच्छा, इंस्टेंट पॉट का कमाल ये है कि आप दाल और चावल इकट्ठा ऐड करके डालेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। मतलब आम चूल्हे की तरह नहीं कि पहले हम दाल गलाते और फिर हम जी चावल, ठीक है ना? तो ये है इंस्टेंट पॉट का कमाल। चल ये लीजिए, आप चावल ले लें। और चावल भी आपने एक कप लिया था, आप इसको आप ऐड कर दें। ये देखिए जी, डालेंगे चावल जी, डाल दीजिए। ये हमने चावल भी डाल दिए। चावल तो डाल दी, इसमें मेरी बैटरी रुक गई थी। अच्छा, अब आप डाल रही हैं चिकन स्टॉक। यखनी आपने पहले से बना के रखी जी, ये मैं चिकन की यखनी अब इसके अंदर डाल मिक्स कर दें ये भी। अच्छा, अब आपका एक मसाला रह गया था, वो है आपका गरम मसाला। गरम मसाला, तो गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दें। कितना लिया है हमने? एक चम्मच जी। ये भी हमने एक चम्मच गरम मसाला लिया है जी। डाल दीजिए आप इसको, झटपट काम हो रहा है जी, ठीक है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है जी।
ठीक है दोस्तों, आप ये कंटेनर देख सकते हैं, ये मुझे इसके साथ ही मिला था, इंस्टेंट पॉट के साथ ही मिला, छोटा सा कप, बहुत छोटा सा। इसमें मैं 160 ml डालूंगी। डालिए। चलिए मैं पानी डाल रही हूँ। गुड। अच्छा अब आपने क्या करना है, इंस्टेंट पॉट में सब चीजों को मिक्स करना है। जी अब हम इसे मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि जब ये कुक हो तो सब चीजें इसमें दाल और चावल मिक्स हुई हो। ठीक है जी। अच्छा अच्छे से इसको मिक्स कर ले आप। तो दोस्तों ये है नमक, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, पर मैं अभी ऐड नहीं कर रही। हाँ बीपी पेशेंट्स नहीं नमक भी खाते ना। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको टाइमर पे लगा देंगे ताकि आपका अब पकना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यहाँ राइस लिखा हुआ है, हम इस पर प्रेस करेंगे। ठीक है राइस को प्रेस करेंगे आप। जी अच्छा, और ओ देखिए इसमें ऑटोमेटिकली टाइमर आ गया कि 12 मिनट में ये चावल दाल तैयार हो जाएंगे, खिचड़ी हमारी। और फिर हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। चलिए दबा दें। चलिए बस अब हमारा काम हो गया है खत्म। हम इसको इंशाल्लाह 12 मिनट के बाद देखेंगे और हमारी खिचड़ी हो जाएगी तैयार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हमारी खिचड़ी तो हो गई है तैयार। वाह तो लगता बहुत अच्छी बनी है आपकी खिचड़ी, गरम 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 और बिल्कुल फिट बनी है जी। तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जी अब हम इसे मिक्स करते हैं पहले। चलिए अब आप अपने पापा के लिए डालें, लंच टाइम हो गया। जी अच्छा आप ऑफिस में डालें, मैं चलिए इसे पकड़ती हूँ आपके साथ। डालें आपने तो साथ सैलेड नहीं, इसको ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, बस डालिए ऊपर से। आप इसको हलवा ना बनाए ना बस, ठीक है इससे। हाँ इसके ऊपर डाल दें बस, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है कि कुकर को ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि बाकी खाना गर्म रहे, ठीक है ना जी, ताकि फिर मैं भी खा लूँगी आपके साथ ही, ठीक है ना जी। तो हमारे लंच तैयार है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत मजे की खिचड़ी बनी है आपकी, टेस्ट करेंगे आप? जी तो अभी मैं टेस्ट करके देखूंगी। कैसा है? बहुत ही अच्छा है। अच्छा वेरी नाइस, थैंक यू नाया, आज आपने हमारे साथ बहुत अच्छी कुकिंग की और हमें खिचड़ी पकाना सिखाया। थैंक यू।